हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? काउंट ए, काउंट ब्लैंक और रैंक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये एक टेबल दी हुई है हमें। ठीक है, इसमें हमें क्या है, यहाँ पर रैंक निकालना है और यहाँ पर काउंट ए और काउंट ब्लैंक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं काउंट ए क्या काम करता है और काउंट ब्लैंक क्या काम करता है। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए एक्सेल में क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, काउंट ए, काउंट ए, अब टैब कर देंगे। देखिए पूछ रहा है कि वैल्यू, तो हम ये पूरी टेबल ले लेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए काउंट ए पे जैसे कर्सर है, ये क्या लिख रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है दोस्तों, देखिए टैब करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसमें क्या लिखा था कि जो भी रेंज आप लेंगे उसमें काउंट ए वो सेल गिनेगा जो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं है, जो ब्लैंक नहीं है, जिसमें कुछ लिखा है उसी को वो गिनेगा, बाकी सब सेल को क्या करेगा, छोड़ देगा जिसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, हमने ब्रैकेट बंद किया और हमने इंटर कर दिया। तो इस पूरे टेबल में आपके प्रोडक्ट से लेके यहाँ नीचे तक, ठीक है, मतलब कि A4 से लेके आपका E20 तक में 64 सेल ऐसी है जिसमें आपके कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम लिखा है, जोन लिखा है, प्राइस लिखा है, डिस्काउंट लिखा है। ठीक है, ऐसी कितनी सेल है, 64। ठीक है, अब आइए देखते हैं काउंट ब्लैंक क्या करता है। ब्लैंक नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसे खाली। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक आपका क्या काम करता है दोस्तों, जो भी रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो भी सेल खाली होती है उसको गिन के ला देता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक आ गया, टाइप कर देंगे रेंज, फिर हम पूरी रेंज ले लेंगे प्रोडक्ट से लेके पूरा यहाँ रैंक तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर। तो हमारी इस पूरे टेबल में 21 ठो ऐसी सेल है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, 21 है, हम गिन सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो काउंट ब्लैंक क्या बताता है दोस्तों कि आपकी चुनी हुई रेंज में, सेलेक्टेड रेंज में कितनी सेल ब्लैंक है। काउंट ए ये बताता है कि कितनी सेल ब्लैंक नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अब रैंक देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये हमारा प्राइस दिया है तो प्राइस के अकॉर्डिंग हम रैंक निकाल देंगे, जिसकी जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जो हाईएस्ट होगा वो 1, जो लोएस्ट होगा वो जो भी रैंक इसकी आखिरी होगी। ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू रैंक। ठीक है, अब देखिए रैंक हमारा तीसरे नंबर पे है, कर्सर से नीचे आके टैब। ठीक है, नंबर हमने ये नंबर ले लिया, कॉमा, रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हम ये क्या करेंगे, पूरी रेंज ले लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ड्रैग होना है, लॉक कर दिए। अब कॉमा, अब देखिए कॉमा करने के बाद पूछ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब आपको छोटे से बड़ा चाहिए कि बड़े से छोटा चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बड़े से छोटा, मतलब बड़ा वाला नंबर 1 हो और सबसे छोटा वाला आखिरी हो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डिसेंडिंग पे है, टैब और ब्रैकेट बंद, और हमने पहले ही आप लोग को बताया था पूरा सेलेक्ट रहे, क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर। ठीक है दोस्तों, देखिए नंबर 1 किसको मिला है, 43,497। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने रैंक लिखी यहाँ पे, तो जो 16 सेल यहाँ ब्लैंक थी वो क्या हो गई, यहाँ पे खाली हो गई, यहाँ पे 5 हो गया, 5 जो ये सेल खाली है सिर्फ वही 5 बची है, और 64 में ये 16 पूरी जुड़ गई, ये क्या हो गई, काउंट 80।
ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, आप कोई भी चेंजेस टेबल में करेंगे तो फॉर्मूला से रिलेटेड, उस टेबल से रिलेटेड चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, रैंक देखिए, नंबर एक पे 43,497, नंबर दो पे 43,153, और ऐसे ही करते करते सबसे आखिरी वाला क्या है, रैंक 16, जो कि 13,680 को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ने क्या देख लिया कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक और रैंक ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।